Hey friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a new chapter. The name of the chapter is Yayati and it has been taken from Mahabharat. The story has been rendered in English by C. Rajagopalachari. So here we go. Let's start our new chapter, Yayati. As you can see, Emperor Yayati was one of the ancestors of the Pandavas. Matlab, जो सम्राट ययाति थे, महाराज ययाति थे, वो पांडव के एंसेस्टर में से एक थे. एंसेस्टर मतलब पूर्वजों में से एक थे. ही हैड नेवर नोन डिफीट. उन्होंने कभी हारना नहीं सीखा था, उन्होंने कभी हार नहीं देखी थी. ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्र. वो हमेशा शास्त्रों के अनुसार चला करते थे. जैसा शास्त्रों में बातें लिखी रहती थी, उसी के अनुसार वो काम किया करते थे. Adored the gods and venerated his ancestor with intense devotion. वो भगवानों की पूजा अर्चना किया करते थे और अपने पूर्वजों को भी बहुत ही मन से पूजा किया करते थे. Intense devotion से पूजा किया करते थे. He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subject. वो एक ruler साबित हुए, अच्छे ruler साबित हुए, जब उन्होंने लोगों के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए काम करना शुरू किया. He became prematurely old by the curse of Shukracharya. वो वक्त से पहले, समय से पहले बूढ़े हो गए थे. किसके श्राप की वजह से? कर्स मतलब श्राप. शुक्राचार्य नामक एक व्यक्ति थे जिसके द्वारा उन्हें श्राप मिला था, इसलिए वो वक्त से पहले बूढ़े हो गए थे. For having wronged his wife Devyani. उन्होंने अपनी वाइफ के साथ कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से शुक्राचार्य नामक व्यक्ति ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम वक्त से पहले, समय से पहले बूढ़े हो जाओगे. इन द वर्ड ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, ययाति अटेंडेड द ओल्ड एज. यानी महाभारत की बातों के अनुसार, ययाति जैसे उन्होंने श्राप दिया था शुक्राचार्य नामक व्यक्ति ने, वैसे उन्होंने ययाति ने बुढ़ापा पा लिया था, मतलब वो बूढ़े हो गए थे. ययाति अटेंडेड द ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज. मतलब कि उनकी जितनी अच्छाई थी, खूबसूरती थी, वो सब कुछ चली गई. जैसे बूढ़े इंसान के चेहरे पे चाम वगैरह नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही बुढ़ापा उनके ऊपर आ गया और वो दुख में डूब गए. इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिजरीज ऑफ विग्रस यूथ सडनली ब्लाइटेड इन टू एज. मतलब ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसी नौजवान इंसान के ऊपर अचानक से बुढ़ापा आ जाए, समय से पहले वो भी, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, वो कैसा महसूस करेगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है. वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एक्सेंचुएटेड बाई द पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन. अचानक से जब उन्होंने देखा कि वो बूढ़े हो गए, तो उनके दिमाग में बहुत तरह की बातें आने लगी. ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन वॉज स्टिल हाउंटेड बाई द डिज़ायर फॉर सेंशुअल इन्जॉयमेंट. ययाति जो अचानक से बूढ़े हो चुके थे, उन्हें अभी भी डिज़ायर था, मतलब चाह थी, सेंशुअल इन्जॉयमेंट की चाह थी. सेंशुअल इन्जॉयमेंट मतलब होता है लव की, एक तरीके का लव है जिसकी उन्हें और भी ज़्यादा चाह थी. ही हैड फाइव ब्यूटिफुल सन्स. उनके पाँच बहुत ही खूबसूरत बच्चे हुआ करते थे. All virtuous and accomplished. सारे के सारे धार्मिक थे और अच्छे बच्चे थे. ययाति called them and appealed piteously to their affection. ययाति ने अपने पांचों बच्चों को अपने पास बुलाया और ये बड़े अफसोस के साथ उनसे ये बातें बताई. The curse of your grandfather Shukracharya has made me unexpectedly and prematurely old. यानी तुम्हारे grandfather यानी दादा या नाना के श्राप की वजह से मैं unexpectedly prematurely old हो गया, यानी मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हूँ. I have not had my feel of the joy of life. मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी अच्छी सी जी भी नहीं थी. For not knowing what was in store for me. मैं नहीं जानता कि भगवान ने आगे मेरे लिए क्या लिखा हुआ था, क्योंकि वो वक्त से पहले बूढ़े हो गए थे. वो नौजवान थे लेकिन अचानक से श्राप की वजह से वो बूढ़े हो गए थे, तो वो नहीं जान पाए कि भगवान ने उनके लिए क्या क्या लिखा था. I lived a life of restraint, denying myself even lawful pleasure. मतलब ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही नियंत्रित तरीके से जिया था, मतलब वो खुल के नहीं जी पाए थे, बहुत ही संयम से वो जिए थे अपनी ज़िंदगी. तो चलिए अब आगे देखते हैं.
आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ फॉर नॉट नोइंग वॉट वॉज इन स्टोर फॉर मी. आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर. उसके बाद बताते हैं, वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज. यानी आप में से, यानी आप पाँचों में से किसी एक को ये बर्डन लेना पड़ेगा, यानी ये बुढ़ापे का बोझ लेना पड़ेगा. एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न. और अपनी जवानी मुझे रिटर्न में देनी होगी. ही हु अग्रीज टू दिस एंड बिस्टो हिज यूथ ऑन मी विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम. आई डिज़ायर टू इन्जॉय लाइफ इन द फुल विग्रस ऑफ यूथ. तो अब यहाँ पर बताते हैं ययति कि आप में से किसी एक को मेरा बुढ़ापा लेना होगा और बदले में अपनी जवानी मुझे वापस से देनी होगी. इससे क्या होगा कि मैं अपनी जो लाइफ है उसको अच्छा से इन्जॉय कर पाऊँगा और आपको मैं इस किंगडम का रूलर बना दूँगा, यानी इस राज्य का राजा बना दूँगा. चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ है. फिर ययाति कहते हैं, ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बिडिंग. दैट सन रिप्लाइड, ओ ग्रेट किंग, वुमेन एंड सर्वेंट विल मॉक एट मी इफ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज. उसका पहला बेटा बोलता है कि ओ महान राजा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो महल के और राज्य के जितने भी नौकर चाकर हैं, नौकरानियाँ हैं, वो सारे मुझके मेरे ऊपर हंसेंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स हु आर डेयरर टू यू देन माई सेल्फ. ययाति का जो पहला बेटा था उसे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आप दूसरे बच्चों से पूछिए, अपने मेरे छोटे भाई से पूछिए जो आपको ज़्यादा प्यारे हैं. व्हेन द सेकंड सन वाज आस्क्ड, जब दूसरे बच्चे से पूछा जाता है, ही जेंटली रिफ्यूज विद द वर्ड, फादर यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी बट ऑल्सो एज आई सी विजडम. उसके दूसरे बेटे ने क्या जवाब दिया कि फादर, जैसा कि आप मुझसे मांग रहे हैं, मेरी जवानी मुझसे मांग रहे हैं और मुझे बदले में बुढ़ापा दे रहे हैं, लेकिन इससे ये होगा कि बुढ़ापा आने से सिर्फ ये मेरी ताकत को और खूबसूरती को बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि मैं अकल से भी भ्रष्ट हो जाऊंगा. मतलब मेरा दिमाग जो है वो इस तरीके से काम नहीं करेगा जैसा अभी करता है. तो ऐसा तो होता ही है कि बूढ़े लोग का दिमाग भी बच्चों की तरह हो जाता है. तो उसने भी यही जवाब दिया, आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ टू डू सो, कि मैं इतना बलवान नहीं हूँ कि आपको जवानी दे करके मैं बूढ़ा हो जाऊँ. तो दूसरे बेटे ने भी मना कर दिया. उसके बाद ययाति अपने तीसरे बच्चे के पास जाते हैं. द थर्ड सन रिप्लाइड, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट, हीज स्पीच विल फ्लैटर. मतलब तीसरा बेटा बोलता है कि जो बूढ़ा इंसान होता है वो ना तो घुड़सवारी कर सकता है और ना ही हाथी पर बैठ सकता है, हाथी चला सकता है, और उसकी जो बात होती है वो भी फ्लैटर होती है. मतलब फ्लैटर मतलब वो हिचकिचाता है, झिझकता है, अटक अटक के बोलता है और घबराहट वाली आवाज़ होती है. What can I do in such a helpless plight? मैं इस तरीके से जो helpless plight होगा, जो दुर्दशा होगी मेरी, उसका मैं क्या करूँगा? I cannot agree. मैं इसको मंजूरी नहीं देता हूँ. यानी तीसरे ने भी इनकार कर दिया. The king grew angry. राजा जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं. When he saw that his three sons had declined to do so. जब वो देखता है कि उसके तीनों बच्चों ने उसे मना कर दिया है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है. ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज फोर्थ सन. वो अपने चौथे बच्चे से कुछ अच्छे की उम्मीद कर रहा था. टू हुम ही सेड, जिसके पास जाकर वो बोलता है, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, यानी तुम्हें मेरा बुढ़ापा ले लेना चाहिए. इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, आई शेल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम. यानी तुम मुझे अपना जवानी दे दोगे, अपना मेरा ओल्ड एज ले लोगे, तो मैं कुछ टाइम के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा. जिसकी जो बुढ़ापा मुझे कर्ज के द्वारा मिला है, वो बुढ़ापा मैं तुमसे वापस ले लूँगा. द फोर्थ सन बेग्ड टू बी फॉरगिवन. यानी चौथे बच्चे ने भी माफ़ी मांग ली, ठीक है, कि मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा. एज दिस वॉज अ थिंग कुड बाई नो मीन्स कंसेंट टू. मतलब ये इस तरह के काम है जो मैं करने के लिए सोच भी नहीं सकता हूँ. An old man has to seek the help of others even to keep his body clean. यानी जो बूढ़े इंसान होते हैं वो खुद को साफ सुथरा भी नहीं रख सकते हैं, उसके लिए भी उन्हें दूसरों की मदद चाहिए होती है.
तो ये मोस्ट पिटीफुल प्लाइट है, मतलब ये बहुत ही बुरा बुरा मतलब प्लाइटफुल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरी नौबत आ जाती है, दुर्दशा बहुत ख़राब हो जाती है बुढ़ापे में। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट डू इट, मतलब वो अपने पापा से प्यार तो करता है लेकिन इस तरीके का काम वो नहीं कर सकता, यानी बुढ़ापा नहीं ले सकता है। ये यति वाज स्ट्रक विथ सॉरो, ये यति जो है वो बहुत ज़्यादा अफसोस में डूब जाते हैं। एट द रिफ्यूजल ऑफ द फोर्थ सन, यानी चारों बच्चों से उनको इनकार मिल जाता है, चारों ने उन्हें बोल दिया कि वो नहीं लेंगे ये यति का बुढ़ापा, तो वो बहुत अफसोस में डूब जाते हैं। ही पॉज फॉर सम टाइम, वो थोड़ी देर के लिए ये यति जो है रुक जाते हैं। एंड देन सप्लीकेटेड हिज लास्ट सन हु हैड नेवर येट अपोज्ड हिज विशेज, फिर अपने चौथे बच्चे के पास जाते हैं जिसने अभी तक ये यति की कोई बात को टाली नहीं थी। यू मस्ट सेव मी, यानी तुम्हें ये यति अपने पाँचवें बच्चे के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि यू मस्ट सेव मी, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल डिबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स, मतलब मैं मुझे बुढ़ापा आ गया है, मुझे रिंकल आ गया, मतलब झुरिया आ गई है, डिबिलिटी मतलब मैं ताकतवर अब नहीं रहा हूँ और मेरे बाल भी अब सफ़ेद हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, यानी शुक्राचार्य जो थे उन्होंने मुझे कर्ज दिया था, श्राप दिया था, जिसकी वजह से मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई कैन नॉट बेयर इट, मैं इसे नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिस इन्फर्मिटीज़ आई शेल इन्जॉय लाइफ फॉर जस्ट अ वाइल मोर एंड देन गिव यू बैक, फिर ये यति उससे निवेदन करते हैं कि तुम अगर अपनी जवानी मुझे दे दोगे और मेरा बुढ़ापा अपने सर पे ले लोगे तो मैं अपनी ज़िंदगी को कुछ दिन और अच्छे से जी पाऊँगा, उसके बाद मैं अपनी जवानी, ये जो जवानी है, तुम्हें वापस कर दूंगा और तुमसे बुढ़ापा ले लूँगा। एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज ऑल इट्स सॉरोज, जो दुख होता है बुढ़ापा का वो सब मैं तुमसे ले लूँगा। उसका जो पांचवा बेटा था उसका नाम था पूरो, पूरो डू नॉट रिफ्यूज़ एज योर एल्डर ब्रदर हैव डन, यानी पूरो से वो बोलता है पूरो तुम भी मुझे मना मत कर देना जैसे तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया था। पूरो द यंगेस्ट सन मूव्ड बाय फिलहाल लव, पूरो जो सबसे छोटा बेटा था वो खुश हो जाता है। फादर आई ग्लैडली गिव यू, पापा से बोलता है, अपने फादर से बोलता है, पिताजी मैं खुशी से आपको अपनी जवानी दे दूंगा। माय यूथ एंड रिलाइव यू ऑफ द सॉरो ऑफ ओल्ड एज, और आपको ये बुढ़ापा है और ये जो मुश्किल आपके पास आ गई मैं उससे आपको छुटकारा दे दूंगा। बी हैप्पी हियरिंग दीज वर्ड्स, यति बिकेम अ यूथ, ये सुनकर यति बहुत खुश होते हैं और वापस से यूथ बन जाते हैं, यानी नौजवान बन जाते हैं। पूरो हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर रूल द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन, मतलब पूरो जिसने अपने पिताजी से उसके बुढ़ापा ले लिया था उसकी शर्त के अनुसार किंगडम उसे संभालने की इजाज़त मिल गई और उसने बहुत नाम कमाया, बहुत अच्छा काम किया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ है। ये यति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग एंड नॉट सेटिस्फाइड, ये यति जो थे उन्होंने लाइफ को बहुत अच्छे से इन्जॉय किया लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो खुश नहीं थे, अभी भी उनका मन अभी भी नहीं भरा था। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, कुछ समय के बाद वो कुबेरा के जंगल में चले जाते हैं। एंड स्पेंड मेनी ईयर्स विथ एन अप्सरा एंड मैडन, वह बहुत कुंवारी लड़कियों के साथ और अप्सरा के साथ उन्होंने बहुत वक्त गुजारा। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंड इन द वेन एफर्ट टू क्वेंच डिजायर बाई इंटेलिजेंस द ट्रुथ डाउंट ऑन हिम, बहुत समय उन्होंने अप्सरा और कुंवारी लड़कियों के साथ वहाँ पर गुजारा, कुबेरा के गार्डन में गुजारा लेकिन उनका मन अभी भी नहीं भरा था और वो ये समझ गए थे कि उनका मन अब भर भी नहीं सकता है। आफ्टर स्पेंड वेन एफर्ट्स क्वेंच डिजायर बाई इंटेलिजेंस द थ्रू डॉन टू हिम रिटर्निंग टू पूरो ही सेड डियर सन, फिर वो वापस पूरो के पास वापस आ जाते हैं और उसे बोलते हैं डियर सन, यानी प्यारे बच्चे, सेंशुअल डिज़ायर इज नेवर क्वेंच्ड बाई इंटेलिजेंस, यानी सेंशुअल डिज़ायर जो होता है, जो उस तरीके का लव होता है, वो उससे कभी भी मन भर ही नहीं सकता है। द फायर पोरिंग घी, जिस तरीके से घी में आग में घी डालने से और आग भड़कती, उसी तरीके से बिल्कुल सेंशुअल डिज़ायर है कि उसमें जितना भी आप उसको फुलफिल करने का कोशिश करोगे वो होगा नहीं बल्कि और लालसा बढ़ती रहेगी। आई हैड हर्ड एंड रीड दिस, यानी उन्होंने ये लाइन सुना था कि आग में जितना घी डालोगे आग भड़केगी, वो उन्होंने पढ़ा था और सुना था लेकिन कभी महसूस नहीं किया था, बट अब उन्हें ये चीज़ महसूस होगी, उन्होंने इस चीज़ को खुद से महसूस किया है। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर कॉर्न गोल्ड कैटल एंड वुमेन,
यानी किसी को किसी चीज़ की लालसा होती है, जैसे किसी को कॉर्न की लालसा होती है, कॉर्न यानी अनाज की लालसा, मकई की लालसा, किसी को गोल्ड यानी सोने चांदी की लालसा होती है, किसी को जानवर पालने की लालसा होती है, किसी को औरतों की होती है चाहत। तो ये जो चाहत है उनकी, जितनी भी उन्हें दे दो उनका मन नहीं भरने वाला है वो, और उसकी चाहत बढ़ती ही रहेगी। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिज़ायर ऑफ मैन, यानी इंसान की, मनुष्य की जो डिज़ायर होती है, जो चाहत होती है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है। वी कैन रीच पीस ओनली बाई मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक, हमें तभी पीस मिलेगा, तभी सुकून मिलेगा जब हम किसी भी चीज़ को लाइक्स और डिसलाइक से परे सोचेंगे, यानी लाइक और डिसलाइक, अच्छा और बुरा से जब हम हटेंगे तभी हम दिमागी तौर पे सुकून पाएंगे, तभी हम मेंटल तौर पे सुकून पा सकते हैं। सच इन द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग भी ऐसे ही क्या करते हैं, टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, वो बोलते हैं पुरो से कि तुम अपनी ये जवानी वापस ले लो, मुझे वापस से बूढ़ा कर दो और जिस तरीके से तुम रूल कर रहे किंगडम को बिल्कुल वैसे ही चलाओ। विद दीज वर्ड्स ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, ऐसा बोलते ही वापस से ययाति बूढ़े हो जाते हैं। पुरो हु रिगेन्ड हिज यूथ, पुरो जो था उसे उसे उसकी जवानी वापस मिल जाती है, वाज मेड किंग बाय ययाति, और ययाति उसे उस वहाँ का महाराजा घोषित कर देते हैं। हु रिटायर टू द फॉरेस्ट, और ख़ुद क्या होता है ययाति, रिटायरमेंट ले लेते हैं और वहाँ से फॉरेस्ट में चले जाते हैं, यानी जंगल में चले जाते हैं। ही स्पेंड हिज टाइम देयर इन ऑस्टेरीज एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, वहाँ उन्होंने बहुत टाइम गुजारा, जंगल में अकेले रह के बहुत टाइम गुजारा और वहीं पर उन्होंने मृत्यु प्राप्त कर ली। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक ययाति, आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप कीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और आगे आपके लिए ऐसे ही चैप्टर को क्लियर करती रहूँ हिंदी में। थैंक यू सो मच।